अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू UBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सलानी ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सलानी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो इसमें है कि बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, यानी वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन ईबाई तराज फाइबर फ्रीलांसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। देख सकते हैं कि मॉडल वन ये है, इनेबलर्स वीडियो सीरीज में अगर आप जाएंगे तो आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा उस कोर्सेज का। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इंट्रोडक्शन की होगी, यानी इतना ज़्यादा डीप नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि सलानी ने कोलैबोरेट कर लिया है इनेबलर्स के साथ, तो इस वजह से इन्होंने ये एरिया को फैला हो सकता है। आप अगर इनेबलर्स के पेज पर जाएंगे तो आपको भी वहाँ ये वाली कोर्स दिखाई देगी। तो कोलैबोरेशन करने की वजह से इन्होंने कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, मतलब यही कोर्स जो है आप जाएंगे तो इनेबलर्स या एक्सट्रीम कॉमर्स, तो वहाँ पे आप लोगों को ई पे करनी पड़ेगी 40,000 45,000 उनकी फीस है वी ए की। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स है ये, और हर जगह जाएंगे तो हर शूट करवा रहे हो, काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स भी है ये। तो सलानी जो है आप लोगों को फ्री में करवा रहा है, और मजे की बात ये है कि ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन है। आप देखें, आप एडमिशन किया हुआ है, क्लासेज जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं या नहीं है, या ऑलरेडी सलानी के कोर्स में एनरोल्ड हूँ, उसके बावजूद मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा मौका है। आप करें, और जिनकी जो ई कॉमर्स में कर सकते हैं और जिनकी IT की फील्ड है उन्हें ज़रूर करना चाहिए, तो आप ये चांसेस नहीं करें। और इसकी इतफाक़ से आखिरी डेट जो है वो आज ही है, आज आप इसको अटेस्ट करवा लें। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। दूसरा ये है कि इसकी एंट्री टेस्ट जो है वो 20 फरवरी 2022 से। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, तो आपको गुजारिश है कि वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। ठीक है, तो इसका एंट्री टेस्ट जो होगा वो 20 फरवरी 2022 नेशनल स्टेडियम कराची, यानी आने वाला जो संडे है उस दिन होगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने इसको अटेस्ट करवाना है, उसकी आखिरी डेट है 17 फरवरी 2022, यानी आज है ये। तो अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने ये फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, इसे लाने का अपना फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी के अंदर एक और कोर्स उन्होंने अनाउंस किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन भी होगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो BScS स्टूडेंट्स हैं और जो पास आउट हो चुके हैं और या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट के, तो वो इस कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन 8 मंथ्स है, तो मेरे ख्याल से माइट भी पॉसिबल है, ये आपका ऑन साइट प्रोग्राम है, तो आप देख लें। अगर आप फ्री हैं तो आप जाके इसमें अप्लाई कर दें। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, वेनसडे 16 फरवरी 2022 एडमिशन जो है वो आपको 16 फरवरी करवानी थी। ठीक है, आप 16 फरवरी करवानी थी, आप ट्राई कर लें कि फॉर्म फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखें दोनों का फॉर्म सेम है, अगर इस पर क्लिक करूँगा मैं तो यही फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्म खुल गया। फॉर्म एक ही मैं दिखा देता हूँ, आपने आपको क्या करना है। पहले आप सिलेक्ट सिटी में आएंगे, कराची सेलेक्ट करेंगे। कराची सेलेक्ट करने के बाद लिखना लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस, ये वाला कोर्स मैं कह रहा था। और अगर आप इस पर क्लिक सलानी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप इस वाले कोर्स पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया है, फिल नहीं करा, बहुत आसान फॉर्म है। आप लिख लें फादर नेम, ई मेल से, NIC, जेंडर, एड्रेस, लास्ट क्वालिफिकेशन, और पिक्चर अपलोड करने पे आपने ख्याल ये रखना है कि आपका बैकग्राउंड जो है वाइट या ब्लू होना चाहिए, मतलब आपकी पिक्चर हो जाएगी रिजेक्ट। फॉर्म फिल करने के बाद और इस पर आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे तो ऊपर से एक पॉपअप बटन आएगा, उसमें लिखा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे आप डाउनलोड कार्ड में क्लिक करेंगे तो आपको ई मेल आएगी, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ई मेल आ चुकी है, यहाँ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो आपने इसको फिल करना है, प्लीज़ कलर प्रिंट एडमिट कार्ड, ऐसे एडमिट कार्ड पर आपने कलर प्रिंट करना है। एक्शन ऑफ एडमिट कार्ड इज एक्सट्रीमली मैंडेटरी फॉर SMI। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद आपने इसको अटेस्ट जरूर करवाना है। आप एंट्री टेस्ट में अलाउ नहीं होंगे अगर आपका एडमिट कार्ड अटैच नहीं हुआ। जब आप अटैच करवाने जाएंगे तो आपके पास NIC होना चाहिए, एंड लास्ट क्वालिफिकेशन आपके उसका मार्कशीट होनी चाहिए, बहुत ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन। अटैच करवाने होंगे तो फोटो कॉपी भी और ओरिजिनल भी होना चाहिए, और चेक करेंगे डॉक्यूमेंट और आपको एडमिट कार्ड अटैच करवा देंगे। अटैच करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 17 है, और अटैच का होगा सलानी गुलशन कैंपस जो बना हुआ है, उनका सेकंड फ्लोर मुमताज़ मोबाइल मॉल गुलशन चौरंगी के पास बना हुआ है। वहाँ जाके तकरीबन रात 9 बजे तक लोग होते हैं, तो आप जाके देख लें और अटेस्ट करवा लें, और संडे का जो है वैसे एग्जाम। अब आए एक और काम की बात पे, उन्होंने एक और पोस्ट की हुई है, आप देख सकते हैं कि इनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है 20 फरवरी जो कि नेशनल स्टेडियम कराची। और आप यहाँ पे आए तो ये टेस्ट भी जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में हो रहा है। जब टेस्ट देना ही है तो क्यों ना फिर वॉलंटियर बन जाए हमदर्दी के लिए, कि सलानी आप लोगों को फ्री कोर्सेज करवा रहा है। ठीक है, तो आप उस पर जाके अप्लाई कर दें। तो इसमें क्या है, आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसको आप फिल कर लेंगे। आपको एक और शेयर कर दूँ, हैव यू अप्लाई फॉर द PIIC एंट्री टेस्ट टू बी हेल्ड इन कराची और फीस फेयर। तो आप इन्होंने अगर टेस्ट में अप्लाई किया तो आप यस कर दें, तो आपके लिए अच्छा होगा, तो बस रिकॉर्ड में रहेगा, तो इस लिहाज से आपको अरेंज करेंगे।
इफ़ यू आर करेंट और पास भी एस यस लर्निंग स्टूडेंट प्लीज एंटर योर रोल नंबर एंड सेमेस्टर का। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, या जो आप अप्लाई करें PIAA का बैच 2 है, हम लोग ने बैच 1 किया था। ठीक है, तो बैच 1 किया था, तो हम लोग ने जब वॉलंटियर किया था तो वो आपको सप्ताह हॉकी स्टेडियम में हुआ था। तकरीबन 1000 से 1500 क्राउड था, जिस लोग के हैंडल करना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों का वहाँ टेस्ट भी था और हम लोग ऐसा वॉलंटियर भी करते। तो हम लोग जब वहाँ वॉलंटियर गए तो हम लोग को फेवर ये मिला कि इवेंट इतना सक्सेसफुल किया कि अनपेड वॉलंटियर होते हैं। ठीक है, तो अब जैसी बात है, पेड तो नहीं करवाता सला नहीं, आपको उसको फ्री में करवाया तो आपको वॉलंटियर क्यों देगा वो। तो वो ये कहते हैं कि हमने अगर आपको सिखाया तो आप आएँ, यही टाइम है कि हमें आपसे आउटपुट लेना है। क्योंकि उस वक्त हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए थे और तकरीबन 4 के 4 5 बज गए थे। तो उन्होंने कहा आप लोग फेवर ये करेंगे, आपका एंट्री टेस्ट जो है आप हम नहीं लेंगे, आप अलग से आप लोगों को बुलाएंगे। तो यही हुआ, हम लोग गए ट्रेनिंग सेंटर अलग से PIAAC बेस पर एंट्री टेस्ट दिया। एंट्री टेस्ट दिया, वहाँ पास के बाद सारे स्टूडेंट पास थे और ऑलमोस्ट सारे टॉप में आए थे। इसमें से मेरा जो नाम जो है वो टॉप 5 में आया था, या आप टॉप 10 कह लें। तो आप यहाँ पर मैं अपना लास्ट रोल नंबर लिख दूँगा, मैं लिख रहा हूँ नथिंग। ठीक है, और यहाँ सफर भी क्लिक कर दूँगा, पाकिस्तान नीड यू वॉलंटियर इंस्टीट्यूट ऑफ PIAAC ग्रेजुएट एडमिशन कर दें। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर दें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है करिए लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर कीजिए। ना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।